तो यहाँ पर देखेंगे साइंस क्या होता है। यहाँ पर साइंस शब्द यहाँ पर स्टडी करेंगे, साइंस क्या होता है, साइंस शब्द कहाँ से हुई और कैसे हुई और क्यों हुई, इसके रीजन के बारे में हम कंक्लूजन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए साइंस शब्द सबसे पहले कहाँ से आया इसके बारे में हम जानते हैं। साइंस शब्द एक साइंटिया शब्द से आया है। साइंटिया क्या है, यह एक ग्रीक शब्द होता है, ग्रीक शब्द होता है, अधिकांश सब्जेक्ट ग्रीक शब्द से ही दी जाती है। साइंस साइंटिया इसका अर्थ होता है शब्द, इसका अर्थ क्या होता है, पूर्ण जानना। जब हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर तरह से जान लेते हैं तब उसे हम साइंस कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग क्या होता है, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट के बारे में तरफ से जान लेते हैं तब उसे हम साइंस कहते हैं। देखिए देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ साइंस, साइंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फिजिक्स होता है, सेकेंड केमिस्ट्री होता है और थर्ड बायोलॉजी होता है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं। देखिए देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ साइंस, साइंस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर फर्स्ट होता है फिजिक्स होता है, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी। तो सबसे पहले यहाँ पर फिजिक्स टॉपिक के बारे में देखेंगे, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, फिजिक्स शब्द कौन सा शब्द से बना है। देखिए फिजिक्स शब्द जो है फ्यूजेस शब्द से बना हुआ है, फ्यूजेस शब्द से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है नेचर, यानी स्वभाव, नेचर। आप कोई पूछेगा फिजिक्स क्या होता है, क्या बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स बेस्ड स्टडी अबाउट सी इन आई नेचर ऑफ वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी भौतिक विज्ञान वह है जो अपने नेचर यानी प्रकृति में जो वस्तुएं अपनी आंखों से देखते हैं वो सारी वस्तुएं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। जैसे मोबाइल, रेडियो, टीवी, सीडी या जितना भी स्टडी करते हैं अपनी आंखों से देखते हैं वे अधिकांश वस्तुएं फिजिक्स में भी हम लोग स्टडी करते हैं। और उसके बाद थोड़ा बहुत बेसिक केमिस्ट्री का देख लेते हैं। लेकिन केमिस्ट्री शब्द एक किमिया शब्द से लिया गया है, किमिया क्या है, यह एक ग्रीक वर्ड है, किमिया शब्द से लिया गया है, किमिया वर्ड से लिया गया है। इसका अर्थ होता है ब्लैक मैटर, यानी काला पदार्थ, ब्लैक मैटर। केमिस्ट्री शब्द को सबसे पहले लोबरी साइंस ने दिया है, साइंटिस्ट ने दिया था, द फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पितामह लोबरी साइंटिस्ट को बोला जाता है, साइंटिस्ट को बोला जाता है। आप देखते हैं थोड़ा बहुत बायोलॉजी देख लेते हैं, बायोलॉजी के संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, बायोस्ट प्लस लोगस। देखिए बायोस माने क्या होता है, सजीव, लोगस माने क्या होता है, अध्ययन, जिसमें हम सजीव के बारे में स्टडी करते हैं से हम बायोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट बायोलॉजी का बायोलॉजिकल फेनोमेना एंड दिस इज कॉल्ड बायोलॉजी। आप देखिए फिजिक्स के बारे में यहां पर स्टडी करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है। ये कौन-कौन सा पार्ट है, फिजिक्स को दो पार्ट में बांटा गया, क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा क्या होता है, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। देखिए
चर समस्त भौतिकी बोलते हैं, यानी चीज समस्त भौतिकी। और मॉडर्न फिजिक्स को हिंदी में आधुनिक भौतिकी बोलते हैं, आधुनिक भौतिकी। यहां पर इसको मॉडर्न फिजिक्स को नई भौतिकी बोलते हैं, नई भौतिकी। और चीज समस्त भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स को पुरानी भौतिकी भी बोलते हैं। एक फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके फादर वो है, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स को जनक सर आइजैक न्यूटन को बोला जाता है, सर आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के स्टडी 1990 के पहले पढ़ते हैं, 1990 ईस्वी के पहले क्लासिकल फिजिक्स के बारे में स्टडी करते थे। लेकिन अभी के डेट में जितना वर्ल्ड में साइंटिस्ट है, जितना भी सर्च चल रहा है, सब मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत चल रहा है। मॉडर्न फिजिक्स का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को बोला जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन को कहा जाता है, यानी मॉडर्न फिजिक्स का फादर अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है, जो 1990 के बाद जितना भी साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, सब सारे साइंटिस्ट मॉडर्न फिजिक्स पर ही वर्क कर रहे हैं। अब देयर आर फोर फाइव पार्ट्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। देखिए पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद ऑप्टिक्स है, उसके बाद वेव एंड साउंड, उसके बाद में कैरी जाता है, मैग्नेट आता है, यानी चीज समझते हैं। क्लासिकल फिजिक्स को फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड है ऑप्टिक्स, थर्ड है वेव एंड साउंड, और फोर्थ है मैकेनिक्स, और फाइव है इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहां पर मॉडर्न फिजिक्स को भी डिवाइड किया गया कुछ पार्ट्स में, यहाँ पर इसको न्यूक्लियर फिजिक्स भी, एटॉमिक फिजिक्स भी बोला जाता है, एटॉमिक फिजिक्स, इसको न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोला जाता है, फिजिक्स। न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोला जाता है, तो देखिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं। ओके करने के लिए पॉज करना होगा। हाँ ठीक, यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सबसे पहले सरलीकृत करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो माने यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या होगा, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। यहाँ पर इलेक्ट्रो माने क्या होता है, आवेश होता है, किसका आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो आप इंग्लिश में इसको डील किस तरह करते हैं, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन पर प्लेस्ड दैट दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी का वह शब्द जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के आवेश को रेस्ट में ही अध्ययन करते हैं, तब उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन पर प्लेस्ड देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या लिखेंगे, द ब्रांच, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
सिस्टम इट इज